तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है कैंथोलॉजी व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जाने वाला हूँ घूमने के लिए, और वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, बने रहे व्लॉग के एंड तक, और चैनल पर नए तो चैनल करें सब्सक्राइब। आ चुके हैं एकेश्वर से आगे मंदिर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो ये है एकेश्वर महादेव, तो यहाँ हम अंदर जाने वाले हैं। तो बने रहे ब्लॉक के एंड तक, मिलते हैं आपसे आगे। तो ये है एकेश्वर महादेव सिद्धपीठ मंदिर है, चलिए चलते हैं अंदर, मिलते हैं आपसे आगे। तो यहाँ पे अंकी भाई भी आ रहा है। एकेश्वर मंदिर में, और यहाँ पे मेरे साथ अंकित भाई है। तो ये भी पहली बार आ रहा हूँ मैं, पहली बार यहाँ एकेश्वर मंदिर। तो देखते हैं कैसा है यहाँ। तो भाई सब अंदर भी बहुत सारे हैं, फिर चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा है यहाँ पे अंदर। वही सब बंदरों की टोली यहाँ पे आपको दिखाते हैं अभी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे बंदर, काफी सारे बंदर आ रहे हैं भाई, काटे का तो नहीं। ये देखिए, ये देखो। और भाई क्या हाल है? हेलो। हाँ भाई, झूला खेल ला है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे बंदर हैं। चलिए चलते हैं नीचे भी। चलो भाई तुम आगे, मंदिर बंद है क्या? तो अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, देख सकते हैं आप। तो अभी हम यहाँ पे हाथ पैर धोएंगे, उसके बाद चलेंगे अंदर। तो ये अंदर मंदिर आप देख सकते हैं, एकेश्वर महादेव मंदिर। चलिए चलते हैं। चलो भाई साहब, ये बंदर भी भाई। बंदर ही बंदर, और यहाँ पे तो ये है एकेश्वर महादेव भी। आ चुके अंदर से दर्शन करके हम, और अंकी भाई भी यहाँ पे, और हमने ऐसे वाले चंदन लगा रखे हैं, देख सकते हैं आप। तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और बाकी यहाँ अंदर की वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं अंदर की नहीं बना रहा, बाकी बाहर से आपको दिखा देते हैं मंदिर कैसा है। और अभी हम जाने वाले हैं, यहाँ पे पास में एक मगर है, उधर जाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे अभी। तो चलिए चलते हैं, ऐसा है मंदिर। और देख सकते हैं आप, यहाँ पे गेट पर लिखा है कि यहाँ की वीडियो नहीं बना सकते, तो इसलिए मैं नहीं बना रहा वीडियो। बाकी कुछ ऐसा है मंदिर, ये देखिए। चलिए चलते इधर भी देखते हैं, इधर साइड है कोई मंदिर। ये माता का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माता का मंदिर। और ये है एकेश्वर महादेव, पर यहाँ की वीडियो अंदर की नहीं बना सकते, तो इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। और भैरव बाबा जी का मंदिर है, देख सकते हैं आप, और काफ़ी बढ़िया मंदिर है, देख सकते हैं। बाकी ये सिद्धपीठ मंदिर है, तो यहाँ पे मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। इधर से आ चुके हैं हम दर्शन करके, और अभी हम जा रहे हैं, पास में एक मगर है पानी का, तो वहाँ ले जाएंगे आपको दिखाने के लिए। चलिए चलते हैं अभी, बाकी जितने भी देखने वाले हैं ये अपनी मनोकामनाएं आपकी सभी की पूर्ण हो। ये हम फूलनाथ जी से मांगते हैं। चलिए चलते हैं अभी,
आपको दिखाते हैं अभी यहाँ से नीचे के लिए जाना है, मगर एक वहाँ चलते हैं। हाँ भाई कैसा लगा मंदिर? बढ़िया बढ़िया। तो चलिए चलते हैं, आपसे मिलते हैं आगे। हम पहुँच चुके हैं मगर में, जो आपको हम दिखाने वाले थे, दिखाता हूँ आपको। ये वो तो ये देख सकते हैं आप, ये है वो मगर। ठीके पानी यार, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो देखिए नहीं नहीं तेरे, कुंड भी है क्या? कि मगर ही मगर। देख सकते हैं ये है यहाँ का मगर, यहाँ पानी आ रहा है और काफी बढ़िया आ रहा है पानी का। देखिए इसे दिख रहा होगा आपको, देख सकते हैं। बढ़िया आ रहा पानी। बढ़िया भाई साहब, मजा आ गया। और पीछे के नज़ारे आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं यहाँ से। ये देखिए एकदम मस्त वाले नज़ारे। और थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद चलते हैं। और टाइम कितना हो चुका है, टाइम देखते हैं अभी। टाइम हो चुका है 1:30 बज चुके हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से, काफ़ी दूर जाना हमें। और उनकी भाई यहाँ पर टीका बढ़िया लग रहा है ना? बढ़िया बढ़िया, मैंने लगा रखा टीका। देख कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। चलिए चलते हैं अभी। देखिए आप कितना मस्त मौसम हो रखा है, मगर भी यहाँ पे पास में। चलिए चलते हैं। इसे कहाँ रखना, बैग में? जी हम नीचे से दर्शन करके और रोड में चलते। फिर से नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हेलमेट नीचे छूट गया है, तो हेलमेट लेने जाना पड़ेगा यार। कोई बात नहीं, दोबारा चल लेंगे। पीछे का मौसम आगे देखो आप भाई साहब, इतना मस्त होगा। चलिए चलते हैं अभी। मैंने ले लिया है नीचे से हेलमेट, क्योंकि हेलमेट छूट गया था नीचे, और दौड़ के जाना पड़ेगा मुझे फिर से, दोबारा आना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। नज़ारे आप देख सकते हैं कितने मस्त आ रहे हैं। और मैं आ चुका हूँ नीचे से हेलमेट लेके, नीचे छूट गया यार। तो फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ रोड में, हेलमेट लेके नीचे से। और अंकी भाई यहाँ पे बैठा है अच्छे, ये आते थे सेट में। तो चलिए चलते हैं, अभी 2 बज चुके हैं, अभी तक हमें निकलना है घर को। तो चलिए चलते हैं अभी लड़के। सो हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम आ चुके हैं एकेश्वर महादेव से, और हम आपको वहाँ घुमा नहीं पाए क्योंकि पहले हम गए चौपट्टा काल, तो फिर लेट हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा हम आपको ढंग से घुमा नहीं पाए। वरना वहाँ जो पुजारी लोग हैं उनसे आपको वहाँ की हिस्ट्री वगैरह बताते, तो इस वजह से हम वहाँ थोड़ा नहीं बता पाए क्योंकि टाइम भी हो रहा था। आपको पता है कि हम रास्ते भी भटक चुके थे आते हुए, उसकी वीडियो अलग से, वो आप देख लेना। आने जाने की पूरी वीडियो अलग से डाली थी हमने जब हम चौपट्टा काल गए थे। मंदिर की मैं अलग से बना रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़े उसको अगर वो वाली नहीं देखी तो पहले उसे देखना, तो क्या क्या हुआ था उसमें भी देख लेना थोड़ा बहुत। मैं आपको वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। जैसे कि वो जो जो वहाँ का शिवलिंग है, वो स्वयं वो शिवलिंग है, जो अपने आप ज़मीन से निकला हुआ शिवलिंग है। और काफ़ी जो है कि सिद्धपीठ मंदिर है, क्योंकि स्वयं वहाँ से जो है शिवलिंग निकला है, और वहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप सभी की भी वहाँ मनोकामनाएं पूर्ण हो, और ये हम भोलेनाथ जी से मांगते हैं। और आप भी अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगना तो ज़रूर पूरी होंगी। और अगर आप इधर साइड आते चौपट्टा का साइड, तो इस मंदिर में ज़रूर जाना, काफ़ी बढ़िया मंदिर है। और बाकी क्या बताना वहाँ के बारे में, और बस इतना ही। तो चलिए धन्यवाद। तो एक ना एक बार अपने जीवन में ज़रूर उस मंदिर में जाएँ, एकेश्वर महादेव में। और अगर आप इधर साइड आएँ तो ज़रूर उस मंदिर में जाएँ, और काफ़ी पास ही हो यहाँ से। अगर चौपट्टा काल साइड आएंगे तो वहाँ से ऐसे ही हो, कमी है वहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, आधे एक घंटे का होगा। वैसे पहले ही पड़ जाएगा, अगर आप एकेश्वर वाले रास्ते आएंगे तो रास्ते पे पड़ेगा। बाकी यहाँ ज़रूर आएँ,
और अगर कोटद्वार से आते आना चाहते हैं आप, तो ऐसे होगा 3-4 घंटे का रास्ता, एक ही दिन में आप डाउन भी हो सकता है अगर आपके पास 4-व्हीलर है, या फिर 2-व्हीलर वाले भी कर सकते हैं आप डाउन। थोड़ी दिक्कत होगी गर्मियों के टाइम पे आना, ठंडियों में तो आजकल भी कार आना क्योंकि छोटे दिन है, तो इसलिए ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये हम एकेश्वर महादेव जी से मांगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल करें सब्सक्राइब। दोस्त रहे, मुस्कुराते रहे, दिखते रहे कैंथोलॉजी ब्लॉग्स को। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।